गिफ्ट फैक्टर को इसकी नेसेसिटी को आप देख सकते हो एग्जांपल से और एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन मोनो ऑक्साइड ऑक्साइड पॉइजनिंग है ठीक है तो इसमें जो फिनना हम एग्जांपल करेंगे एलिस्ट्रेट करेंगे एग्जांपल को यूज ऑफ गिफ फक्टर इज एन एड्जॉर्पन साइट होना होमोग्लोबिन मोलिक्यूल विच कैरीज ऑक्शन इन द ब्लड तो हमारे पास जो एडजॉर्पन है यहाँ पे बेसिकली ये एडजॉर्पन है ठीक है हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं कि गैस का किसी सरफेस पे हमारे पास यहां पे एब्जॉर्ब होना तो एब्जॉर्प्शन है साइट uh, होना है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल व्हिच गैस ऑक्सिन इन द मॉलिक्यूल तो अ सिंगल हीमोग्लोबिन हैज फोर एब्जॉर्प्शन साइट तो हमारे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल होगा उसकी फोर एब्जॉर्प्शन साइट होती है और हमारे पास ये कैरी करती है आयरन 2 प्लस आयन हमारे पास जो तीन साइड चार साइड्स होंगी यहाँ पे होमोग्लोबिन मालिक्यूल की ये ये ठीक है सारी हमारे पास हैं एफी टू प्लस है। और सारी हमारे पास ये वो कैरी कर सकती है ओ टू मालिक्यूल तो यहाँ पे भी ओ टू मालिक्यूल कैरी हो सकता है यहाँ पे भी यहाँ पर भी ठीक और जो हमारे पास सिस्टम यहाँ पे स्टेट होगा जैसे मैंने कहा वी विल टेक द सिस्टम टू बी जस्ट वन ऑफ द फोर साइड्स तो फोर साइड्स हैं हम जो सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड है क्रसमोन तो मैंने सिर्फ एक से एक साइड को लिया है और वो हमारे पास हम है कौन ऑफ एन आयरन आयरन आइन है और उसकी क्या है क्या फंक्शनैलिटी क्या है कि वो एक मालिक्यूल को अपने अंदर होल्ड कर सकती है कौन सा मालिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन मालिक्यूल तो ये हमारा है सिस्टम ठीक ये हमारा सिस्टम है और हम इसको सिंपलिसिटी के लिए कंसीडर करते हैं कि ये जो है बाकी अपने सारे जो करीबी मालिक्यूल्स हैं या फिर बाकी जो जितनी भी ये तीन साइड्स हैं ये इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ट्रीट करेंगे यह सिस्टम एस सिस्टम तो ये रहा मेरे पास जो है सिस्टम है तो अगर ये रहा मेरे पास सिंगल जो साइट है हेमी साइट है और अंदर जी जीरो मैं कहूँगा अगर आपके पास यहाँ पे मालिक्यूल है

और दूसरी चीज है हमारे पास म्यू एन था ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले केस में ये देखें एनर्जी जीरो हो गई बोर्डमैन फैक्टर और पार्टिकल भी कोई नहीं है तो एन भी जीरो है हमारे पास तो ये पूरा कोफिशेंट हमारे पास जीरो हो गया ई पावर समथिंग पावर जीरो इज इकल टू वन तो पहला बोर्डमैन फैक्टर ये हो गया दूसरा फैक्टर हमारे पास है जिसकी एनर्जी हमारे पास मौजूद है वो है एप्सलॉन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इसमें वो है M1. तो N की वैल्यू है मेरे पास डिवाइड बाय तो एक बोर्डमैन फैक्टर ये तो दूसरा फैक्टर ये दो ही स्टेट हैं तो हमारे पास जो ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन में दो ही हमारे पास फैक्टर्स आएंगे गिफ्ट फैक्टर तो ये तो हो गया पार्टीशन से फंक्शन अब हम दो जगह हैं जहाँ पे एक जगह पे जो कंसंट्रेशन वो गैस की ज्यादा होती है और एक जगह पे हमारे पास कंसंट्रेशन कम होती है लंग्स में हमारे पास जो कंसनटे वो कंसनट्रेशन जो होगी हमारे पास वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो सेल्स हैं क्योंकि सेल्स में पास वो ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाती है वहाँ पे कंसनट्रेशन कम होगी वहाँ पे केमिकल पोटेंशियल भी कम होगा लेकिन लंग्स में हमारे पास केमिकल पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे हम ऑक्सीजन वहाँ से इनहेल रहे होते हैं और अब अगर आप उसको ले लें कि वो एक्बरम में है एक वो डिफ्यूजिव एक्म है एक्सचेंज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके माउस रहे हैं और जो आपके पास एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो इक्वल हैं तो डिफ्यूजिव एक्म यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो जाएगा विद द एटमोसफेयर तो लंग्स के अंदर जो गैस है और एटमोसफेयर के साथ हमारे पास एक्यूलेब्रम है और डिफ्यूजिव एक्म है तो हमारे पास यहाँ पे इस केस में जो पार्शियल प्रेशर होता है ये हम डिस्कशन देख चुके हैं पार्शल प्रेशर की वो जीरो पॉइंट है वो जो बॉडी टेम्परेचर है हमारे पास थ्री टेन है चैप्टर नंबर सिक्स से जो हमने डिस्कस किया है अब लास्ट चैप्टर था हमारे पास आइडल गैस में जहाँ डिस्कशन एंड किया है तो हम केमिकल पोटेंशियल अगर आपके पास यहाँ पे चीजें गन हो तो केमिकल पोटेंशियल यहाँ से फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे कैसे करेंगे आप आइडल गैस देखिये यहाँ पे ना ये जो केस है ये जो इतना प्रेशर और हमारे पास ये टेम्परेचर ये डोमेन में लाया करता है आइडल गैस के तो आप आइडल गैस को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पी वीजिकल टू एन K, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए वी ओवर एन की तो यहां से मैं एक सेट कर लूंगा वी ओवर एन की वैल्यू वो आ जाएगी की के टी बाय पी ठीक है तो वी एन की वैल्यू ये वी एन की वैल्यू ये और वो के टी ओवर पी है के वैल्यू बोल्समैन कॉन्स्टेंट है टी ये की मन है प्रेशर मेरे पास ये की मन है ये वैल्यू आ जाएंगी अच्छा अब ये क्या हम फाइंड कर सकते हैं हाँ ये भी फाइंड हो सकता है ऑक्सीजन वाली के लिए तो वो हमारे पास जो क्वांटम वॉल्यूम है ये और क्वांटम वॉल्यूम आपको पता है क्यूब है क्वांटम लेंथ का और क्वांटम लेंथ हमारे पास होती है टी तो ये मेरे पास है क्वांटम लेंथ ठीक तो ये भी यहाँ से फाइंड हो जाएगा टू पाई कॉन्सटेंट है एम हमारे पास मालिकोल आ जाएगा के टी टी केवन है के प्लांस कॉन्स्टेंट है ये भी जेड इंटरनल आप देख लोगे उसमें टेबल से तो आप यहाँ से इसको पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं ठीक है पोटेंशियल की वैल्यू है केमिकल पोटेंशियल माइनस जीरो पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एस्ट्रॉन की वैल्यू केवन है तो गिप्स फैक्टर हमारे पास बन गया ये एप्सलॉन की वैल्यू ये आ गई पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास आ गई ये के कॉन्स्टेंट है टेम्परेचर हमारे पास ये रहा ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा गिप्स फैक्टर की वैल्यू फोर्टी तो अब आप जब आपके पास पार्टीशन फंक्शन आ गया है अब आप वो क्वेश्चन आंसर uh, करने के काबिल हो गए हो वो ये है द दॉबिलिटी ऑफ एनी गिवन साइट बींग ऑक्यूपाइड प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके पास कोई भी साइट जो है वो ऑकुपाइड हो ठीक है उसमें पर मौजूद है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेशन ऑकुपाइड बाय वॉल्यूम मलिकल टू और, और टू तो वो रहेगी हमारे पास जो बोल्डमैन फैक्टर ऊपर आ गया वो ऑकुपेशन की प्रोबेबिलिटी हमने बोल्डमैन कैलकुलेट के, किया था ना तो ये जो बोल्डमैन फैक्टर है हमारे पास ये ऑकुपेशन का है ये ऑक्युपेशन का है ये कॉरेस्पॉन्ड करें इससे इससे रिलेटेड ठीक है तो ये हम बोर्डमैन फैक्टर ऊपर आएगा जो सॉरी गिब्स फैक्टर गिब्स फैक्टर ऊपर आएगा ये 40 और नीचे पूरा पार्टीशन फंक्शन आएगा 1 प्लस फोर्टी तो ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी है 98 परसेंट ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 98 परसेंट अब आप कंसीडर करें कि हम लेते हैं इसमें एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहीं वहां पर प्रेजेंट है कार्बन मोनोक्साइड का और हमारे पास जो कार्बन मोनोक्साइड है वो भी साइड में हमारे पास एब्सॉर्ब हो सकती है अब जो प्रेजेंट होंगी इसमें जो स्टेट्स हैं, वो स्टेट हमारे पास हैं, तीन ठीक है एक है ये कोई मालिकूल नहीं है इसमें एक है मालिक्यूल है तो फिर ऑक्सीजन मालिक्यूल है और दूसरा हमारे पास है क्या okay, है कार्बन मोनोऑक्साइड है तो तीन स्टेट्स हमारे पास एक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वोल्ट। दूसरे की है uh, तो ये तीन गिब्स फैक्टर तो ये एक तो जो गिब्स फैक्टर है ये क्रस्पॉन्डिंग टू तो दिस फैक्टर कॉस्पॉन्डिंग टू तो दिस वन एंड दिस फैक्टर कॉस्पॉन्डिंग टू कार्बन मोनोऑक्साइड तो गिफ्ट फैक्टर हम देख लेते हैं इसके लिए क्या है तो जो कुछ वैल्यूज हैं जो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इसकी कॉन्स्टेंट uh, से वो है ये अनर्जी गेमन है ठीक है और हमारे पास केमिकल पोटेंशियल बिल्कुल उस तरह पहले हमने कैलकुलेट किया आप ये भी कैलकुलेट कर लेंगे टेम्परेचर और प्रेशर हमारे पास उसी वो ही वैल्यूज है तो बोर्ड मैन फैक्टर जो इस वैल्यू के लिए आएगा ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ इसके लिए पहले तो इस वैल्यू के लिए जो आएगा वो ये है वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी इज अ गिफ्ट फैक्टर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड तो अब आप कहेंगे तो अब आप प्रोबेबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करें अगर हम यही जो हमने पहले की थी अब वो ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि तो नीचे सारा जो गिफ्ट वो है ग्रैंड पार्टीशन फंक्शन वो आएगा तो वन प्लस फोर्टी प्लस वन ट्वेंटी तो ये फोर्टी ऊपर गिफ्ट फैक्टर ऊपर सेम रहेगा तो ये देखें ट्वेंटी फाइव परसेंट

ठीक है तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 120 ट्वेंटी हाँ तो ये अब देखें उसकी जो है वो पॉबिलिटी ज़्यादा है